व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाला हूं एक दवा के बारे में जो कि लोग, मतलब कि जो मेल से बहुत कॉमनली यूज करते हैं, वो दवा का नाम है व्याग्रा या वियोग्रा या सुहाग्रा या मैटफोस। तो इस दवा को लेकर के बहुत ज्यादा मिथ भी है सोसाइटी में, और कभी कभी ये दवा बहुत ही ज्यादा घातक परिणाम के साथ असर दिखाती है अपना। तो हमें इस दवा के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए इसका इस्तेमाल करने से पहले, जिससे कि कोई बहुत ही घातक परिणाम ना हो जाए। ये जो दवा है व्याग्रा या वियोग्रा या सुहाग्रा या मैनफोर्स या और बहुत सारे नाम से आती है, इसमें जो केमिकल होता है सब में एक ही होता है, वो होता है सिल्डेनाफिल। अब ये करता है क्या शरीर में जाकर के? इसका एक काम होता है शरीर में जाकर के कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे, उसमें ब्लड का फ्लो को बढ़ा देना। और जब ब्लड के फ्लो बढ़ जाता है तो फिर उससे डिफरेंट चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो जो बेसिकली जो लोगों के मन में ये होता है कि सेक्स करते समय उनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया या पिनाइल इरेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है और उनका सेक्स लाइफ बर्बाद हो गई है और सेक्स लाइफ संभव नहीं हो पा रही है, या तो कुछ लोग जिनको लगता है कि उनमें जो जो डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है और फिर वो सेक्स का भरपूर आनंद नहीं ले पाते हैं, तो वैसे लोगों के को लोग सलाह देते हैं, भाई तुम एक काम करो, तुम व्याग्रा की गोली ले लो। तो ये बात सही है कि ये गोली चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, पर ये करती क्या है? ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल का, उसमें ये ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है। आपको पता है जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, मानिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो इसके दोनों तरफ एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और जब ये जो ब्लड वेसल्स ऐसे ढीली रहती है, जब इस स्पंज लाइक स्ट्रक्चर में खून का प्रवाह बढ़ता है, तो फिर ये जो है साथ में ये इरेक्शन कर देती है। ठीक है, समझिएगा, नॉर्मली जो है ये जो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ब्लड फ्लो बहुत ही कम होता है, तो ये इरेक्शन की स्टेट में नहीं होता है। जैसे जैसे ये जो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ब्लड फ्लो बढ़ के ये पूर्ण इरेक्शन जो है ये ऐसे हो जाता है। तो ये सिल्डेनाफिल है, ये जो इसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और इरेक्शन में हेल्प करती है। तो जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उन लोगों में ये अगर वो सिल्डेनाफिल लेते हैं तो फिर ये इसमें इरेक्शन हो जाता है। अब इसको लेना कैसे चाहिए? इसको बेसिकली कहते हैं कि इसको जब आप एक्ट करने जा रहे हो या सेक्स करने जा रहे हो, तो आधे से एक घंटा पहले आप इसका प्रयोग कीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि आप शाम को लेके चले हैं और फिर घर में जाकर के आप ट्राई करते हैं, तो इसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी एक बार और ये जान लीजिए कि ये दवा केवल अकेले स्तर पर काम नहीं करती है। आपके जो अंदर जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट्स हैं वो अगर नहीं होंगे तो भी ये दवा काम अपना असर नहीं दिखा पाएगी। तो वो जो उत्तेजना है, वो जो सेंसीन है, वो जो एम्बियंस है, वो भी होना चाहिए, तब जाकर के साथ में ये दवा काम करती है। अब आप ऐसे सोचें कि जब मन हुआ दवा ले ली, खा ली, चल दिया। दूसरी बात, ये दवा को दिन में एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 से 4 बार अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो आप 3-4 बार लेंगे, तो ये दवा नुकसान कर सकती है। इस दवा का जो असर है वो 6 से 7 घंटे तक रहता है, और जैसे मैंने बताया कि इसको आधे से एक घंटा पहले अगर आप लें तो इसका जो बेस्ट इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बात सही है कि इससे, इसको, इस प्रयोग से बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ सुधर गई है, उनको हेल्प मिली है। पर कुछ लोग इसका ओवरडू कर देते हैं, डॉक्टर की सलाह के बगैर ले लेते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ेगा, पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ये नहीं कि वहीं बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आदमी का बीपी बढ़ेगा। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों का हार्ट की बीमारी है, या जिन लोगों के ब्लड वेसल्स की कोई बीमारी है, उनको उसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अच्छे तरीके से डॉक्टर को बता करके इसकी सलाह ले लेनी चाहिए, नहीं तो फिर ये घातक परिणाम अपने दे सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये दवा किस उम्र के लोगों को लेनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई उम्र की बाध्यता नहीं है, ना तो सेक्स करने के उम्र की कोई बाध्यता होती है, तो ये किसी भी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं। हाँ, डोज का जरूर है एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, आपकी बॉडी फिजिक, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से लेकर के वेट के हिसाब से आप अपना जो डोज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? आपको सर दर्द हो सकता है, आपको गिडीनेस हो सकता है, आपको सर में जैसे ऐसे वर्टिगो टाइप चक्कर आ रहे हैं वैसे आ सकता है,
आपकी छाती में दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, और बहुत लंबी लिस्ट है जो कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बट ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लोग इसका आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपके मन में यह है कि आप नहीं कर पा रहे हैं और सिल्डेनाफिल की गोली आप ले लें उसके बाद आप बिल्कुल ही मैन की तरह करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके जो अंदर जो आपकी जो उत्तेजना है, जो पोटेंशियल है, वो जब रहती है तो ये आपका उसको मदद करेगा, उसमें साथ देगा और आपकी जो इसमें जो एक्ट को बढ़ाएगा, एक्ट के समय को बढ़ाएगा। मान लीजिए अगर आधे मिनट या एक मिनट में डिस्चार्ज हो जाता है आपको, तो हो सकता है कि ये दवा लेने के बाद आप 10, 15 या 20 मिनट तक आप खींच सकें। तो बाद में अंत में मैं समरी में यही कहूँगा कि इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट है, पर उसी तरह से इस दवा के बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। तो ये दवा लेने से पहले आप डॉक्टर से ले लीजिए। ज़्यादातर लोग संकोच करते हैं डॉक्टर के पास जाने में, पर ऐसा बात नहीं है, डॉक्टर आपके हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखता है। आप उस चीज़ को उससे शेयर कीजिए तो हो सकता है वो आपको उसके लेने के तरीकों को बता दे, उसको आपके साइड इफेक्ट को देख ले, समझ ले, उसके हिसाब से डोज को आपकी एडजस्ट कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कपल्स हैं उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी बनी रहने से आपसी संबंध अच्छे बने रहते हैं और जो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी उसी के साथ आते रहते हैं, बस तो उन लोगों के लिए जो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखिए बेसिकली जो इरेक्शन जो है वो बेसिकली टोटल आपका साइकोलॉजिकल है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती नहीं है मेरा तो इरेक्शन होता ही नहीं है, तो आपका इरेक्शन होगा भी नहीं। तो अपने आप को अंदर से मजबूत रखिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, और मैं किस किस चीज़ को देख करके उत्तेजित होता हूँ, वो सब चीज़ आपके आसपास होनी चाहिए। एक बार उत्तेजना जब रहेगी तो ही ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी, कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो के बाद में मैं बताने में सफल हुआ हूँ ये दवा जो सिल्डेनाफिल है इसके बारे में। आगे मैं वीडियो में और अगली वीडियो बनाऊंगा और मैं दवाओं के बारे में भी जानकारी लेकर आता रहूंगा। वैसे तो मैं जनरल सर्जन हूं और कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट हूं, तो मैं उस एरिया में ज़्यादा मैं तवज्जो देता हूं और मैं साथ में टीबी काउंसलर भी हूं। बहुत सारे टीबी के पेशेंट मेरे पास अपनी सलाह लेके आते हैं, फ़ोन पर मुझसे बात करते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो कन्वर्सेशन की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।